बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर न्यू रेसिपी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, सो डोंट वेस्ट द टाइम। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। को स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कैफ़े जैसी बिल्कुल कैपुचिनो। तो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो कॉफ़ी लिए यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, आप लोग कोई भी ब्रांड की ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून हॉट वाटर। तो ये मैंने पानी को थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म कर लिया है और हमारे ये हॉट वाटर रेडी है। तो अब हमने क्या करना है कि आप कोई भी मग, बाउल ले लें, कप ले लें। तो यहाँ पर मैंने कप का यूज़ किया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कॉफ़ी। तो ये 1 से 2 बंदों के लिए एटलीस्ट है कॉफ़ी, आप लोग आराम से 2 बंदों के लिए सर्व कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून कॉफ़ी ऐड कर दी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, जो कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करूँगी इसके अंदर। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग इसके अंदर और भी शुगर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शुगर ऐड कर दी। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वाटर, जो कि ये थोड़ा सा हॉट है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नॉर्मल सा हल्का हल्का सा गर्म करना है। तो यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है और ख्याल रखना है कि जितनी हमने कॉफ़ी लेनी है उतने ही हमने स्पून वाटर के लेने हैं। तो अब हमने यहाँ पर तीनों चीज़ें ऐड कर दी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर फॉक की हेल्प से हम इसको बीट करते जाएंगे 15 to 20 मिनट्स। हमने इसको अच्छी तरीके से बीट करना है ताकि इसका टेक्सचर फॉर्मिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने फॉक की हेल्प से इसको बीट करा और इसका टेक्सचर बिल्कुल फॉर्मिंग हो चुका है। तो हमारा जो टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था। तो ये लिक्विडी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर हमारी लिक्विडी फॉर्म में कॉफ़ी हुई तो ये समझे आप तैयार नहीं हुई। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इसको चाह रही हूँ कि ये नीचे जाए, बट ये बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो हमारी बिल्कुल कैपेचिनो अच्छी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हमें चाहिए हॉट मिल्क। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको 2 कप्स बनाना सिखाऊंगी कि हमने ये 2 कप्स के लिए कैपेचिनो का टेक्सचर तैयार करा है। तो आप लोग ये बनाकर घर में भी रख सकते हैं एयर टाइट जार में। तो हमने क्या करना है, हॉट मिल्क हम ऐड करें इसके अंदर। हमने थोड़ा सा ऊपर से ऐड करना है, ऊंचाई से यानी कि हाइट से। जैसे कि हम इसको हाइट से ऐड करेंगे मिल्क कप के अंदर, तो इसके अंदर झाग बन जाएंगे। तो हमें कैपुचिनो बनाने के लिए झाग वाला मिल्क चाहिए। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कॉफ़ी। आप लोग देख सकते हैं ये इतनी थिक है कि मुझे दूसरे स्पून की हेल्प लेना पड़ी है, खुद से नहीं इसके अंदर जा रही है। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दी है कैपुचिनो, ये देखें हम सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कोको पाउडर। तो कोको पाउडर से प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप लोग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम सारी कैपुचिनो ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे कोको पाउडर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज सबसे पहले। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मैं उसका नेम मेंशन कर दूँगी, प्लीज़ वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो हमारी कॉफ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप लोग ज़रूर बनाएगा घर में। कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों को ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।